तो दोस्तों, आज मैं आपको सेहत से संबंधित कुछ योग और उसके उपाय बताने वाला हूँ। कुछ एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कुंडली में जिससे कि इंसान काफ़ी ज़्यादा रोगी बन जाता है, लंबे समय तक वो परेशानियाँ झेलता है, और उसके उपाय क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो शनि के बताने वाला हूँ। शनि अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में है, या खाना नंबर 8 में है, या खाना नंबर 6 में है, तब इस केस में इंसान को कहीं ना कहीं डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। इंसान का एक मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। इंसान ड्यूअल थॉट्स या फिर लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। अगर शनि की बात करें तो शनि को सही रखने के लिए कई बार हमें ये कहा जाता है कि हमें शराब या नॉनवेज इन चीज़ों से दूर रहना है, पर शनि अगर खाना नंबर 4 में है तब इस केस में ये कहा जाता है कि आपको कुछ मादक पदार्थ यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि शनि से संबंध रखती हैं, जैसे कि अल्कोहल। अब अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है इसमें भी जो लिक्विड यूज़ होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्कोहल की मात्रा होती है। कफ सिरप आप पीते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल की मात्रा होती है। अगर आपको किसी तरह की परेशानी लंबी चल रही है, चाहे वो शरीर की कोई भी परेशानी हो, तो ऐसे केस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना शुरू करें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं या कुछ भी कारण है, तो अल्टरनेट तरीका ये भी है कि आप एक ग्लास पानी लें, उसके अंदर 4 बूंद विस्की या शराब जो भी नॉर्मल मिलती है, कोई भी शराब लीजिए, और ये शाम के समय आप लगातार डेली पीना शुरू करिए। जिस दिन आप नहीं पीना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए गुरुवार, मंगलवार या शनिवार, इन दिनों में आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन दिनों में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। और ये आपने दवाई के तौर पे लेनी है। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने अल्कोहल की मात्रा 4 बूंद से ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि दवा को दवा के रूप में लें, दवा को दारू के रूप में ना लें। अगर आपने दारू के रूप में लिया तो सेहत आपकी बिगड़ेगी, आपका शनि खराब होगा। पर यहाँ पर शनि के हालातों को सही करने के लिए 4 बूंद शराब लेने का उपाय कहा गया है। शनि को इस तरीके से सही रखा जाता है, और रात के समय ऐसा व्यक्ति भूलकर भी दूध ना पिए। अब जिसकी कुंडली में मान लीजिए राहु खाना नंबर 6 में होता है, तब ऐसे केस में इंसान के ऊपर ऊपरी बाधाओं का कई बारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ऐसे केस में व्यक्ति अगर परेशान है, कहीं ना कहीं नज़र लगती है, कहीं ना कहीं बीमार हो रहा है, तो उस समय में एक कंबल ब्लैक एंड वाइट कलर का शनिवार के दिन आप मंदिर में ज़रूर डोनेट करें, और 6 दिन लगातार 6 डेज़ कॉन्टीन्यूस 6 नीले फूल 6 ब्लू फ्लावर्स कॉन्टीन्यूसली 6 दिन आपको बुधवार से शुरू करके कहीं पर भी मंदिर धर्मस्थान जहां पर माता सरस्वती की मूर्ति लगी हो वहां पर चढ़ाते रहें। अगर रोगी नहीं जा सकता, उसका कोई घर का मेंबर उसके नाम से चढ़ाता रहे, तो बहुत जल्द ही रोग से मुक्ति मिलने के आसार बन जाते हैं, और दवाइयां भी काम करना शुरू कर देती है। रोग जो पकड़ में नहीं आ रहे थे वो भी पता लग जाते हैं, ताकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। तो ये आप करते रहिए। और एक उपाय और है जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध है, वो है बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाने का उपाय। अगर आपके यहाँ पर कहीं पर भी बरगद का पेड़ है जिस पर आप डेली मीठा दूध चढ़ा सकते हैं, यानी कि दूध में मिलाया हुआ शहद चढ़ाते सकते हैं, तो ऐसा शहद चढ़ाया हुआ दूध के साथ मिलाकर रोगी को काफ़ी जल्दी ठीक करता है। और इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, दूध चढ़ाने के बाद उस पेड़ के नीचे की गीली मिट्टी लेके रोगी के माथे पर और नाभि पर ज़रूर लगाते रहें, ताकि यहाँ पर शनि के बुरे प्रभावों से उसका बचाव होता रहे। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं रोगियों के लिए जो शारीरिक परेशानियाँ झेल रहे हैं, उनके शरीर में किस तरीके से एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, वो रोग से निकलें और एक अपना जीवन अच्छे से जी सकें, उसके लिए आप ये जतन करते रहिए। ये उपाय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।